न खाता न बही, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कह दे बस वही सही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नाटक सामने आ ही चुका है। सोनिया गांधी सर्वे सर्वा थी, हैं और रहेंगी, नहीं तो राहुल प्रियंका इन्हीं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष की टोपी सरकती रहेगी। वैसे कांग्रेस में चापलूसी और गुलामी की परिपाटी इतनी गहरी है, कोई गैर गांधी परिवार का कांग्रेस अध्यक्ष कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। जिसने भी कांग्रेस में लोकतंत्र की बात की वो तो गियो। जितिन प्रसाद को ही देख लीजिए। कांग्रेस के जिन 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर संगठन में बड़े बदलाव करने की मांग की थी, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भी हैं। गांधी परिवार की गुलामी के जंजीरों में जकड़ी कांग्रेस पार्टी का हाल देखिए कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ पार्टी कार्यालय में जमकर नारेबाजी हुई। लखीमपुर खीरी जिला कांग्रेस कमेटी ने जितिन प्रसाद पर न सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया बल्कि उन्हें पार्टी से निकालने के लिए आला अधिकारियों को पत्र भी लिख दिया। हैरानी की बात यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को लेकर बुलाई गई बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला और नगर अध्यक्ष की मौजूदगी में जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, जबकि इस दौरान बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का जोश दिखाई दिया। इस पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, न कि अपनी पार्टी के नेता पर निशाना साधना चाहिए। अब गुलामों से भरी कांग्रेस बीजेपी पर क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेगी ये तो वक्त तय करेगा, पर जाहिर है कि जितिन प्रसाद को अपनी बात रखने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जानकार कहते हैं कि जिसने भी कांग्रेस में सोनिया गांधी एंड सन्स के खिलाफ आवाज उठाई वो तो गया। देखते हैं जितिन प्रसाद कब तक बसते हैं। वैसे भी एक बयान में दिग्विजय सिंह ने कहा भी है, ऐसा लगता है कि पार्टी के नेताओं में असंतोष का एक कारण यही बना कि राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष नहीं रहे लेकिन पर्दे के पीछे वो पार्टी पर नियंत्रण जारी रखे हुए थे। कुल मिलाकर कांग्रेस का अंतिम सत्य यही है कि ये राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका लोकतंत्र पर कतई विश्वास नहीं है।